हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 12 एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। अब क्योंकि चैप्टर ही सर्कल्स के ऊपर है और उसके एरियाज से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर के अंदर सारा का सारा जो भी आपका मटेरियल होगा वो सारा ही सर्कल्स पे बेस्ड होगा। उसी से रिलेटेड जो एरियाज़ के क्वेश्चन हैं वो होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल आप छोटी क्लासेस से भी जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया होता है। ये सर्कल का निशान हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है, पाई 22/7 होता है, और कहीं कहीं पे अगर मेंशन हो तो 3.14 लिखा होता है, वो इसमें यूज़ करना होता है। अब सर्कल से ये सेंटर है सर्कल का, अगर हम कोई दो रेडियस बना देते हैं इस तरह से, तो ये जो बीच का जो पोर्शन हो जाता है ना, ये इस तरह का, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। अब इसके बीच में यहाँ पे कितना एंगल बना है, ये कुछ एंगल भी होता है, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये जो पोर्शन होता है ना इसको बोलते हैं हम सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सेक्टर होता है सर्कल का ये एक पार्ट होता है। अब यहाँ थीटा अपॉन 360 क्यों लिखा, फॉर एग्जाम्पल थीटा की जगह यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यानी सर्कल पूरा 360 का होता है। तो 360 में से वो पोर्शन जिसके हिस्से में सिर्फ 60 डिग्री आया है, उतने का एरिया। मैं इसको आपको यहाँ पे समझाऊँ। देखिए, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये पाई आर स्क्वायर क्यों आया, सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का। अगर पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो 360/360, यानी पूरी जो डिग्री है पूरे में से पूरा, और पाई आर स्क्वायर, तो 360/360 से तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाता है। अब अगर हमें इसके किसी पार्ट का एरिया चाहिए, तो कितना पार्ट, यानी कि उस पार्ट में कितने एंगल हैं, कितने एंगल का वो पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ये लगता है, इसे सेक्टर बोलते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसका आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चलिए, सेकंड चीज़, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री। अब सर्कल माने यहाँ से हमने शुरू किया, तो ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। और जो सर्कुलर चीज़ें होती हैं ना, उनको हम सर्कमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। सर्कल को, पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फॉर्मूला लगाने से अगर हमें रेडियस पता है, r मीन्स रेडियस, तो रेडियस पता है, ये फॉर्मूला लगाने से हमें ये पूरी लेंथ पता चल जाती है। अब इसी से एक और चीज बनी है, वो है लेंथ ऑफ आर्क। देखिए, अगर ये तो पूरा सर्कल है, अगर यहां से और यहां तक का मुझे ये पोर्शन पता चलाना है, ये एक आर्क बन गई ना, ये गोल टुकड़ा हो गया, ये आर्क हो गई। अगर मुझे इतने की लंबाई निकालनी है, तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये जो पोर्शन है ना, ये जो आर्क है, ये सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बना रही है, ये पता चलेगा दो रेडियस को ज्वाइन करके। तो इतनी ये जो लंबाई है ना, ये आर्क, ये सेंटर पे इतना एंगल बना रही है। फॉर एग्जांपल इसे थीटा मान लेते हैं, ये लीजिए। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। अब इसमें भी यही रीजन है इसका कि यहाँ पर थीटा क्यों लगाते हैं। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल पूरा जो होता है ये होता है 360 डिग्री का। अब अगर पूरे की लंबाई निकालनी है, पूरा सर्कमफ्रेंस, तो पूरा 360 डिग्री यूज हो जाएगा। तो 360/360 और इंटू 2πr, तो 360 से 360 कट जाता है, इसलिए ये 2πr सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये 360/360 कट जाता है और ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, सेगमेंट। सबसे पहले समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। जब हम सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड बना देते हैं, तो सर्कल के दो डिवीजन हो जाते हैं। बड़े वाले को बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, मेजर का मतलब ही बड़ा होता है।
मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पोर्शन होता है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब इनका एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, इनका एरिया निकालने का तरीका ये होता है, हमें फॉर एग्जांपल ये पार्ट का एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो पहले सेंटर से इसके जो कॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं इनको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे कोई एंगल बनेगा थीटा। अब इसके अंदर आपको दो फिगर दिख रही होंगी, एक तो दिख रहा है पूरा का पूरा सेक्टर, सेक्टर तो दिख रहा है ना, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो रेडियस से पूरा सेक्टर बन गया। और सेक्टर में से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर देते हैं, ये व्हाइट वाला जो है, तो फिर सेगमेंट आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है, इसको लॉजिकली समझना है आपको फिगर से, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ किसी भी तरह का ट्राइंगल बन सकता है, ट्राइंगल यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन सकता है, या कोई और भी ट्राइंगल बन सकता है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह का ट्राइंगल होगा। तो ये आप समझे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर जो सेक्टर बन रहा है, और जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो पूरे में से जब ये माइनस कर देंगे ट्राइंगल तो यही तो रह जाएगा, और यही हमारा माइनर सेगमेंट है। अब माइनर सेगमेंट तो पता चल गया, अब ये ऊपर वाला यानी इससे ऊपर ऊपर, इस कॉर्ड से ऊपर ऊपर का अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, पूरा सर्कल का एरिया और ये जो आपने माइनर सेगमेंट का निकाला है ये माइनस कर देंगे तो ऊपर का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फॉर्मूला बनता है। अब इसी चीज, इसी में एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगी, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ पे ये सेंटर है, अगर कोई ऐसा यहाँ पे 60 डिग्री का अगर सेक्टर बनता है और हम इसको यहाँ कॉर्ड से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये 60 डिग्री का बना और ये जो दोनों है साइड्स, ये रेडियस है सर्कल की, तो ये भी सामने के जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। सामने के एंगल बराबर होंगे तो वो कितने कितने के हो जाएंगे, 180 में से 60 माइनस कर दिया 120 हो गया, तो ये भी 60 60 के ही हो जाते हैं। तो किसी भी सर्कल के अंदर जब यहाँ आपके दो रेडियस के बीच में 60 का एंगल बनता है, तो इस कॉर्ड को ज्वाइन करते ही ये जो ट्राइंगल बनता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में देख लें आप, वैसे तो यहाँ बड़ा बन रहा है, अगर यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया हो ना तो ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी, अगर फिगर के अंदर सर्कल के अंदर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें साइड क्या हो जाएगी, साइड रेडियस ही तो हो जाएगी ये और ये, तो इसे आप इस तरह भी मान सकते हैं √3/4 रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही चार चीज़ों का इसके अंदर यूज़ होने वाला है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आ गई हैं तो चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।